कांग्रेस आपको पहचान करवाई, कांग्रेस को छोड़ के आप टीआरएस में गए, तानाशाही राष्ट्रीय समिति में गए। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ अपनी तानाशाही लेके आप हर जगह फिर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। काम कीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे काम करके बताइए आप आवाम के लिए, उस्मान नगर के लिए। ये नहीं चलेगा सबिता इंद्रा रेड्डी जी, बहुत खामोश रह गई है पब्लिक यहाँ की। आपने अब आपके घर पे ही सीधा आके पब्लिक रहेगी, अगर आपकी बार पब्लिक को धक्का लगा, पब्लिक के घर में पानी आया तो। ये हम आपको बोलने रहे, चेतावनी दे रहे हैं, आपके घर पे आके डेरा जमाएंगे सब लोग, उनके साथ मैं भी रहूंगी। मैडम, ये दो दिन की बारिश में ये हाल है, अब आने वाला पूरा महीने जो है तो बारिश के है, तो इस पर मैं तेलंगाना के जो हबीबी मिल्लत नकीबी मिल्लत है उनसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि जरा ट्वीट कीजिए ताकि तेलंगाना हुकूमत जो है हरकत में आए। जैसे पिछली बार उन्होंने ट्वीट किया था तो पुलिस वाले जो है हरकत में आए थे, गवर्नमेंट हरकत में आई थी, वैसे ज़रा गरीब आवाम के लिए, फ्लड से मुब्तला जो भी आवाम है, जिनको तकलीफ हुई है, जिनके घर डूब रहे हैं, ट्वीट करें ताकि गवर्नमेंट हरकत में आए। आप पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये दो दिन का पानी है, दो दिन के पानी में कैसा घर में पानी आया है, इधर हटाइए, कैसे रहना ये लोग, पूरी फ्लोरिंग पानी से भरी हुई है, कैसे सोना, कैसे काम करना। सबिता इंद्रा रेड्डी एसी रूम में सो रहे, एसी घरों में सो रहे, आवाम जो उनको जिताई, जो उनको पहचान कराई, उनका हाल देखो आवाम का कैसा है, कितनी ही दुख की और तकलीफ की बात है। आज तेलंगाना गवर्नमेंट को आवाम की दुख और तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही आवाम जो है 2023 में सबक सिखाएगी। कैसा कर रहा है आवाम, पानी इस्तेमाल का साल को साल एक काम करना। अच्छा, क्या बनाई 13 करोड़ में? ये दिख रहा है इसका बड़ा ग्रिल है, पाइपा है, सब चीज फेंसिंग करके जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। कहा है ग्रिल दिखता नहीं ना मैडम, 13 करोड़ जैसा दिख रहा नहीं, ऐसा ग्रिल भी इसी में दिखता हो। लोग मच्छी खा रहे बोले पानी में, हाँ पानी नहीं है, वो तो बोले कट्टा भी नहीं है। मैडम बहुत डॉगन है उधर, देखिए उधर डॉगन बहुत है, इधर राइट में भी डॉगन है, उधर भी डॉगन है। देखिए ये 13 करोड़ का सेंक्शन किया हुआ है, लोग कह रहे हैं ये हम यहाँ पे ब्रिज बनाए, इसमें क्या है सलिया लगाए, इस पे क्या है पूरा काम करे। मेरे को तो 13 पैसे का काम नहीं दिख रहा, हालांकि 2 आंखें मेरी अपनी और मेरा चश्मा भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे को 13 पैसे का काम नहीं दिख रहा। यहाँ की आवाम को भी नहीं दिख रहा कि कौन सी ग्रिल लगी है, कौन से सलिए, कौन सा लोहा लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है बाउंड्री करी हुई है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। सबिता इंद्रा रेड्डी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, 13 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? यहाँ की आवाम अब खामोश बैठने वाली नहीं है। केसीआर और केटीआर के और एरिया एमएलए के कान पे जूने रहेंगी, लोगों की मुसीबतों को देख के लोगों के घर डूब गए, पूरा सामान खराब हो गया लोगों का। इस साल भी जो है वार्निंग दिए मौसम विभाग वाले, मौसम डिपार्टमेंट वाले, कि तेलंगाना में जोरदार बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिर भी कोई भी जो है सहूलियत नहीं, कोई भी स्कीम नहीं गरीब आवाम के लिए। मैडम, ये जो 13 करोड़ सेंक्शन हुए थे वो 13 करोड़ किस कई के लिए सेंक्शन हुए थे यहाँ पर? वो यही, एक तो वो कट्टा बनाने के लिए और लोगों की राहत के लिए थे, लेकिन वो क्या है सबिता इंद्रा रेड्डी जी का काम ही यही है, झूठी तख्तियां लगाना, काम कुछ नहीं। मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो आप 13 करोड़ रुपए सेंक्शन करे, उस्मान नगर की आवाम भी पूछना चाह रही है कि 13 करोड़ रुपए जो आप सेंक्शन करे वो किसकी जेब में गए, आप क्या बनाए आवाम के लिए, आप क्या राहत करे। पिछली बार केसीआर जी बोले 10,000 रुपए जो है इनिशियल
और रिलीफ देंगे सबको, वो भी वो अपने अपने लोगों को दिए। 50,000 रुपए उनको दिए जाएंगे जिनका आधा डैमेज हुए हैं घर, जिनके पूरे डैमेज घर हुए हैं उनको 1,00,000 रुपए। लेकिन वो 50,000 और 1,00,000 रुपए सिर्फ हवा में ही रह गए, किसी को मिले ही नहीं ग्रास रूट लेवल पे। आखिर वो पैसे कहाँ गए? और आपको पहले से मौसम विभाग बोल रहा है कि तूफानी बारिश होने वाली है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी सहूलियत नहीं है, कोई भी इंतजाम नहीं है। मैडम ये दो दिन जी आप डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को अलर्ट कीजिए, एरियाज में भिजाइए, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनको फौरी तौर पे जो है सहूलियत और राहत फराम कीजिए, पैसे फराम कीजिए। जी बोलिए मैडम, ये जो अभी ये इसके कौन से बता रहे हैं जो 13 करोड़ जो लगाए हैं उसका कौन जवाब देंगे? ना पब्लिक तो बोल रही है हमें कुछ नहीं मिला है, तो ये क्या काम देना भाई? KCR देना, एरिया MLA सविता इंदिरा रेड्डी जी देना, उनके जितने भी कॉर्पोरेटर्स है वो लोग देना, वही लोग जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? जब आवाम के लिए पैसे शेंशन हुए हैं, आवाम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए हुए हैं, फिर आवाम ही परेशान है, आवाम की कोई भी मुश्किल दूर नहीं हुई, आपको कुछ पैसे मिले क्या? बस उसके बाद अच्छा आपका आपका कितना घर वो पानी में था? अंदर था, आधा शटर था, तो आधे शटर के हिसाब से आपको 50,000 रुपए मिलने थे, मिले क्या आपको? नहीं मिले। नहीं। ये आवाम आपके सामने है, इनका आधा शटर, क्योंकि KCR जी बोले थे जिनका आधा घर डैमेज हुआ हो उनको 50,000, कहाँ है वो 50,000 रुपए? मैडम ये दो दिन की बारिश में ये हाल है, अब आने वाला पूरा महीने जो है बारिश के है, तो इसको मैं तेलंगाना के जो हबीबी मिल्लत नकीबी मिल्लत है उनसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि ज़रा ट्वीट कीजिए ताकि तेलंगाना हुकूमत जो है हरकत में आए। जैसे पिछली बार उन्होंने ट्वीट किया था तो पुलिस वाले जो है हरकत में आए थे, गवर्नमेंट हरकत में आई थी, वैसे ज़रा गरीब अवाम के लिए फ्लड से मुब्तला जो भी अवाम है, जिनको तकलीफ हुई है, जिनके घर डूब रहे हैं, ट्वीट करें ताकि गवर्नमेंट हरकत में आए। शुक्रिया, थैंक यू। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। खरीदिए हमारी फ्रेंचाइजी और जुड़िए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 99 स्टोर से और कमाइए अच्छा खासा मुनाफा। हजार से ज्यादा वैरायटी के साथ इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है विजिट एंड विन ऑफर। विजिट कीजिए इजी एक्सप्रेस के कोई भी 99 स्टोर पर और आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए तक के इनाम। फ्रेंचाइजी और बिजनेस तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारी इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स, कोटियम मॉल टोली चौकी, एमबीए मॉल एबिट्स बिग बाजार 4th फ्लोर, या अग्निसर हाउस ओल्ड कृष्णा टाकेस SMT टावर 2nd फ्लोर।